INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार पर धुआंधार प्रहार जारी है। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद अब मोदी के निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर एक सनसनीखेज आरोप जड़ दिया। देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात INS विराट को निजी टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। दरअसल पीएम मोदी ने करीब 30 साल पुराने मामले को फिर से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि पर पीएम मोदी की ये दूसरी चोट है, जो दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से की गई। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि इस मौज मस्ती में राजीव गांधी के ससुराल पक्ष के लोग भी शामिल थे। INS विराट एक खास द्वीप पर रुका, 10 दिन तक रुका रहा। भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। दरअसल अब ये समझना भी जरूरी है कि पीएम मोदी राजीव गांधी की किस छुट्टी का जिक्र कर रहे हैं। वो साल 1987 था। नए साल का जश्न मनाने के लिए राजीव गांधी एक बेहद खूबसूरत द्वीप पर गए थे। इस द्वीप पर राजीव गांधी ने अपने परिवार के साथ 10 दिन बिताए, ये उसी की तस्वीरें हैं। तब इंडिया टुडे ने 31 जनवरी 1988 को इस छुट्टी के बारे में खबर छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव गांधी परिवार के साथ लक्षद्वीप के पास बंगाराम आइलैंड गए थे। करीबी रिश्तेदार अमिताभ बच्चन का परिवार भी शामिल था। सुरक्षा के लिए समुद्री और हवाई दोनों मार्गों की निगरानी की गई थी। सरकार की ओर से सभी के लिए खाने का खास इंतजाम किया गया था। तब राहुल और प्रियंका के दोस्तों के लिए आयोजित पार्टी के लिए राजीव गांधी ने 18,000 रुपए का बिल चुकाया था। आइए जानते हैं कि आज के हिसाब से ये रकम कितनी होती है। आज उसी जगह पार्टी की जाए तब के मुकाबले 5.5 गुना ज्यादा खर्च आएगा। उसी जगह पार्टी करने के लिए करीब 1,00,000 रुपए खर्च करने होंगे। असल में तब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत करीब 12.77 रुपए थी और आज करीब 70 रुपए है। गांधी परिवार की इस पिकनिक के दौरान INS विराट के गांधी परिवार को ले जाने के लिए इस्तेमाल करने की खबरें रही हैं, जिस पर सवाल भी उठे हैं। तब INS विराट को पूरे 10 दिनों के लिए अरब सागर में तैनात किया गया था। उस दौर में INS विराट भारत का एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर था। अब INS विराट भारतीय नौसेना से बाहर हो चुका है और राजीव गांधी भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वोट की सियासत ने राजीव गांधी को करीब 31 साल पुराने पिकनिक को बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या पिछले 5 साल का आपकी सफलता का कोई रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं आपके पास बताने के लिए? कभी नेहरू जी के पीछे छिप जाओगे, कभी राजीव गांधी जी के पीछे छिप जाओगे? जनता आपसे नौकरियों का हिसाब मांग रही है, जवाब तो नहीं है। जवाब तो बोल दो, जवाब नहीं है। ये कहां आप बार बार दिवंगत लोगों के से लड़ने चले जाते हैं? जो जिंदा है उनसे लड़िए ना, रफेल पे चर्चा करिए ना, डिबेट करिए ना राहुल गांधी से, वो तो आपको बार बार चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस की दलील है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के असल मुद्दों से देश को भटका रहे हैं, तो बीजेपी महारथियों की दलील है कि पीएम मोदी इतिहास के पन्नों को पलटकर देश के 1.3 अरब लोगों के सामने कांग्रेस की असली चाल रख रहे हैं, असली चेहरा और चरित्र भी सामने ला रहे हैं।